नमस्कार आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी जिले किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाकयात हुए, किस तरह की घटना हुई है, चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी जिले में वाकयात हुए हैं। महाराष्ट्र के घुड़सवारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जिन लोगों को घोड़ों का शौक़ है, जिन्हें हॉर्स राइडिंग का शौक़ है, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 20 नवंबर 2022 को दोपहर में 12 बजे परभनी के लक्ष्मी नगरी डेंटल कॉलेज के करीब ही यहाँ पर AR स्टोर फार्म की जानिब से जिस तरह से रेवाल चाल स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला प्राइज 51,000 रुपये, दूसरा प्राइज 31,000 रुपये और तीसरा प्राइज 21,000 रुपये रखा गया है। 1 किलो चांदी के बख्शिश भी इसमें रखे गए हैं। इस स्पर्धा के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अब्दुल रज़ाक 7057818999, उसी के साथ सैयद अबू हसन 9860152614। दिल्ली में जिस तरह से एक मॉडल की हत्या की गई है और हत्या करने के बाद में उसके 35 तरीके से 35 टुकड़े किए गए और 35 टुकड़े अलग अलग एरियों में फेंकने के बाद में उस नराधाम को जिस तरह से फांसी की शिक्षा देनी चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उसका नाम आफ्ताब अमीन पूनावाला और पारसी समाज का व्यक्ति है, और पारसी समाज का व्यक्ति होने के बावजूद इसे जिस तरह से मुस्लिम नाम दिया जा रहा है और इसे जिहादी बताया जा रहा है। आज 17 नवंबर 2022 को परभनी की महिला संगठनों की जानिब से परभनी के जिला अधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि इस आरोपी को फांसी की शिक्षा दी जाए और ऐसे लोगों को फांसी की शिक्षा होनी भी चाहिए जिन्हें समाज में रहकर समाज की महिलाओं पर अत्याचार किया गया है। ऐसे व्यक्तियों को फांसी होना बहुत ज़रूरी है और इस्लाम भी यही बात सिखाता है। इस आफ्ताब अमीन पूनावाला ने जुल्म किया है, एक स्त्री के 35 टुकड़े किए हैं, उसका कत्ल किया है और उसे अलग अलग जगहों पर उसके टुकड़ों को फेंका गया है। ऐसे व्यक्ति को फांसी की शिक्षा होनी भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें निवेदन देते समय सुनीता तालखेड़कर, संगीता पोहनेरकर, प्रिया कुलकर्णी, ईश्वरी पाठक, सिद्धि यादव, श्यामा हेसलकर, सोनाली कुलकर्णी, लता सोनी, सुरेखा दराड़े, संतोषी देशमुख, एडवोकेट अभिलाषा पाचोरकर, लंगर प्रीति वैद्य, इनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आया और शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि जिस आरोपी ने इस महिला के 35 टुकड़े किए हैं, इसका कत्ल किया है, इसे फांसी की शिक्षा दी जाए। ऐसी मांग भी इस वक्त इन निवेदनकर्ताओं ने दी है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या मांग इन्होंने की है खुद इन्हीं की जबानी। जी घटना घड़ी अतिशय घृणास्पद निषेधार्ध घटना है आणि अशी घटना वारंवार पुन्हा घडू नये यासाठी म्हणून आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निवेदन दिलेलं आहे आणि या बाबतीमध्ये तपास हा खूप व्यवस्थितपणे व्हावा आणि या आरोपीला जास्तीत जास्त शिक्षा ठोठवण्यात यावी, फाशीची शिक्षा ठोठवण्यात यावी, यासाठी आम्ही सगळ्या प्रभावती नारी मंचच्या महिला निवेदन देण्यासाठी आलेलो आहोत। आज जे आम्ही निवेदन दिलेलं आहे ते जे श्रद्धा जो मानवी हत्या तिची झालेली आहे, अतिशय निर्गुण हत्या झालेली आहे आणि त्या संदर्भात जे हे जिहादी काम होत आहे त्यासाठी आम्ही त्या श्रद्धाचा जो आरोपी आहे त्याच्यावरती कार्यवाही व्हावी, त्याला फाशीची शिक्षा व्हावी यासाठी आम्ही हे निवेदन दिलेलं आहे। आणि ह्या ज्या घटना सतत घडत आहेत त्या अतिशय वाईट आहेत आणि कुठंतरी शासनाने यामध्ये लक्ष घालून ह्या घटना बंद झाल्या पाहिजेत, त्यासाठी आम्हाला महिलांना त्यांनी सोबत घ्यावं आणि त्यासाठी आम्ही काही पण करायला तयार आहोत या कार्यवाह्या थांबण्यासाठी आणि ह्या घटना वारंवार होऊ नयेत ही विनंती करण्यासाठी आज आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेलो होतो आणि त्यासाठी निवेदन आम्ही दिलेलं आहे। 17 नवंबर 2022 को परभणी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके घर में एक ज्येष्ठ नागरिकों की बैठक ली गई और ज्येष्ठ नागरिकों की बैठक लेने के बाद में यहाँ पर जिस तरह से बात रखी गई कि शिव अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष करामत खान इनके नेतृत्व में ये बैठक ली गई, नेतृत्व में बैठक लेने के बाद में इनके आरोग्य ज्येष्ठ नागरिकों के आरोग्य से ताल्लुक रखने वाले सभी मसलों को हल किया जाएगा, ऐसा भी इस वक्त शिव अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष करामत खान इन्होंने कहा है। और जिस तरह से परभनी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी मौजूदगी में ज्येष्ठ नागरिकों का सत्कार भी किया गया है और इनका मनोबल भी बढ़ाया गया है, ऐसा भी इस वक्त शिव अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष करामत खान इन्होंने बताया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त इन्होंने दी है।
प्रथम असं प्राधान्य आम्ही आमच्याकडे आहे की बाबा ज्येष्ठ नागरिक आहेत यांच्या आरोग्यासंबंधी यांच्या फार प्रॉब्लेम्स असतात, त्या प्रॉब्लेम आम्ही माणसांना त्या सुद्धा आमदार साहेबांमध्ये आता ते काय सांगू, आमदार साहेबांच्या विशेष आमच्या प्रभागाच्या नगरसेवक होते, आमचे मेयर आमचेच होते, माझ्या बहिणी कमी वयात विधवा झाल्या 40 वर्ष त्यांना सुद्धा स्वयंरोजगार मिळावा। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ के नांदेड़ 2022 सीनेट निवडणूक में ये निवडणूक तो हो गई है और निवडणूक होने के बाद में यहाँ पर जिस तरह से ज्ञानतीर्थ पैनल के 10 उम्मीदवार रिंग में थे और 10 उम्मीदवारों ने पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने दंडनित विजय हासिल किया है, इन्होंने पूरी तरह से कामयाबी हासिल की है। इसमें उम्मीदवार शीतल सोनटक्के इन्होंने बाजी मारी और बाजी मारने के बाद में धर्मापुरी स्थित ज्ञान साधना प्रतिष्ठान की जानिब से इनका सत्कार किया गया और सत्कार करने 17 नवंबर 2022 को प्रोग्राम लिया गया और प्रोग्राम लेने के बाद में अध्यक्ष स्थान पर शिव सांब सोनटक्के ये थे, प्रमुख उपस्थिति केशव अन्ना दुदाटे ये इनकी मौजूदगी थी, ज्ञान साधना प्रतिष्ठान के अध्यक्ष किरण सोनटक्के अशोक ढोड़े इनके मौजूदगी में मान्यवरों का सत्कार किया गया है। इस वक्त प्रस्तावित करते समय KD शिंदे इन्होंने सूत्र संचालन किया, PV कदम इन्होंने आभार व्यक्त किया, SB खानापुरे इन्होंने आभार माना है और जिस तरह से कार्यक्रम के बीच में SR रोड़े, VD भुसारे, NP खरपले, RS चाके, RS चाफे इनकी मौजूदगी थी। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त ज्ञान साधना प्रतिष्ठान के किरण सोनटक्के इन्होंने दी और जिस तरह से सभी मान्यवरों ने इनका सत्कार किया और सत्कार करने के बाद में आप देख सकते हैं कि किरण सोनटक्के इनकी मौजूदगी में जिस तरह से उनकी पत्नी का सत्कार किया गया और स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विद्यापीठ में जिस तरह से किरण सोनटक्के इनकी पत्नी शीतल सोनटक्के जिस तरह से काम करने वाली है उसी के चलते इनका बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में सत्कार किया गया और परभणी शहर की मान्यवर शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थे और यही नहीं इनके अलावा ज्ञान तीर्थ प्रतिष्ठान के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर स्टाफ मेंबर भी यहाँ पर मौजूद थे और जो विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ाई करते हैं इनके पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद थे। किरण सोनटक्के ये बहुत ही कामयाबी के साथ में खुद भी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और यही नहीं इनके अलावा इनकी पत्नी शीतल सोनटक्के ये भी अब एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और जिस तरह से ये डेवलपमेंट का काम करते हुए नज़र आ रहे हैं एजुकेशन फील्ड में उसी के चलते आज उनका भव्य सत्कार किया गया और सत्कार करते समय प्रतिष्ठान के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और मौजूद होने के साथ में इन्होंने भव्य ऐसा सत्कार इस वक्त किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका सत्कार इस वक्त किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से हर व्यक्ति हर कांग्रेस का व्यक्ति अब एक दूसरे के कंधे को कंधा लगाकर राहुल गांधी इनके साथ में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। परभणी जिले से मान्यवर व्यक्ति यहां पर गए और यहां पर जाने के बाद में नांदेड़ से यात्रा की शुरुआत हुई, नांदेड़ जिले से हिंगोली से वाशिम, जैसे ही यात्रा बढ़ती आगे गई है उसी के साथ में यहाँ के परभणी के जानी मानी शख्सियत अतीकुर रहमान साहब जो परभणी जिले के मान्यवर कांग्रेसियों में से माने जाते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ में जो व्यक्ति यहां से गए हैं उनके साथ में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी इनके साथ में अतीकुर रहमान साहब किस तरह से चर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। चर्चा करते हुए वो उनके साथ में जैसे ही जुड़ते गए, जुड़ने के बाद में उन्होंने कुछ विषयों पर चर्चा की और चर्चा करने के बाद में आज हकीकत में हम ये बताएंगे आपको अतीकुर रहमान साहब इन्होंने राहुल गांधी इनसे किस तरह की चर्चा की और चर्चा करने के बाद में इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी ये भी आज जानेंगे। राहुल गांधी इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा अभियान शुरू किया और भारत जोड़ो यात्रा अभियान शुरू करने के बाद में
यहाँ पर इनके साथ में। ऐसे ही सेवा दल के लोग यहाँ से गए। परभणी जिले के सेवा दल के लोगों ने यहाँ पर भारत जोड़ो अभियान में भी अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और राहुल गांधी, इनसे तो इनकी मुलाकात नहीं हुई लेकिन इनकी फ़ोटो के साथ में ही इन्होंने मुलाकात की। और जिस तरह से भारत जोड़ो अभियान में सेवा दल के लोग परभणी जिले से गए, इनमें आप देख सकते हैं अजमत खान, उसी के साथ में शजी अहमद खान, मोहम्मद खान, सलीम खान, लुकमान खान, इनके साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर भारत जोड़ो अभियान में सेवा दल के लोग गए और यहाँ पर जाने के बाद में इन्होंने यहाँ इनकी खिदमत भी अंजाम दी। महाराष्ट्र के घुड़सवारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जिन लोगों को घोड़ों का शौक़ है, जिन्हें हॉर्स राइडिंग का शौक़ है, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि 20 नवंबर 2022 को दोपहर में 12 बजे परभणी के लक्ष्मी नगरी डेंटल कॉलेज के करीब ही यहाँ पर AR स्टोर फार्म की जानिब से जिस तरह से रेवाल चाल स्पर्धा का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला प्राइज 51,000 रुपये, दूसरा प्राइज 31,000 रुपये और तीसरा प्राइज 21,000 रुपये रखा गया है। 1 किलो चांदी के बख्शीश भी इसमें रखे गए हैं। इस स्पर्धा के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अब्दुल रज़ाक 7057818999, उसी के साथ सैयद अबू हसन 9860152614। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक, परभणी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर, मैं हूँ सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ़ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुँच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में, ग्राहक की खुशी यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881290190। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कॉन्टैक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।